Maths? I love maths. But आज तक मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला जो मेरी मैथ्स की क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके. But then I came to know about TruMath. TruMath में एक मैथ्स एक इंटरेस्टिंग लेवल की गेम है. मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं एक घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ. मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि मैं एक ट्यूशन जाता हूँ और एक वन टू वन टीचर के साथ पढ़ रहा हूँ मैं. जैसे कि मैं उनसे लाइव डाउट्स भी क्लियर कर रहा हूँ, साथ साथ में अपनी रिविजन भी कर रहा हूँ. सबसे बड़ी बात तो मुझे लगा कि इसमें टाइम बहुत सेव हो रहा है. बच्चे स्कूल से आते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं ट्यूशन्स पे, फिर आते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं. वो एग्जैक्टली सीधा आए, चेंज किया, फूड लिया, तो अपना पढ़ने बैठ जाते हैं. पहले अगर मैं ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन्स में मैं टीचर के अकॉर्डिंग चलता था, उनको जो टाइम सूट करता था उस टाइम में मैं जाता था. पर TruMath में मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ. मैं उनको जो टाइम सूट करता है उस टाइम पर TruMath अटेंड करता हूँ. मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, जैसे ट्यूशन पे मेरी डेली क्लासेस होती हैं. TruMath में भी डेली मेरी ऐसी क्लासेस होती हैं. क्लासेस ले रहे हैं, नॉट विद बकअप स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल क्लासेस ले रहे हैं. उसके लिए उनका जो माइंड है वो उधर ही रहता है क्लास के ऊपर, कि हमने ये वाला सेमेस्टर करना, ये वाला टास्क करना पूरा. और इसमें अगर मुझे कुछ चीज़ ना समझ आए कोई, तो मैं डाउट्स भी अपने लाइव क्लियर कर सकता हूँ. ना एक ना TruMath की ना एक पेरेंट ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आप पेरेंट ऐप रजिस्टर करवा के ना आप अपने चाइल्ड की या अपने स्टूडेंट्स जो है ना उसको आप देख सकते हो कि वो कैसे स्टडी कर रहा है, कोई उस क्लासेज वो रेगुलर ले रहा है कि नहीं ले रहा है. जैसे आप वो लैपटॉप में कहता है कि पढ़ने जा रहा हूँ जी, हमें लगता है कि वो पढ़ रहा है, वो कुछ और चीज़ देख रहा है, कुछ कर रहा है. पेरेंट ऐप से हमें पता लग जाता है कि इसने क्लास आज अटेंड की है. एक बात और बहुत अच्छी लगी कि जब ये ट्यूशन्स जाता था तो ऐसा होता था कि ग्रुप में एक बच्चे को समझ आ रहा है, एक को नहीं आ रहा. डिफरेंट क्लासेस हाँ, मतलब और हर बच्चे का अपना कैलिबर है, तो ऐसा होता था कि उसको नहीं समझ आ रहा तो टीचर वहाँ ही रुक जाती है, दूसरे को दो बार, तीन बार, चार बार. फिर वो बच्चे जो बहुत जिनको समझ आता है वो इरीटेट होते हैं. तो अब ये TruMath में हमें ये दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ रहा है, हम आगे जा रहे हैं. हमें नहीं आ रहा, हम अपने को उसके अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं. बैक जाके हम दूसरी क्लासेस भी दोबारा अटेंड कर सकते हैं. और हर चैप्टर को हम दोबारा जितनी बार, जितनी बार तक हमें समझ नहीं आता हम उसको देख सकते हैं. और कुछ बच्चे मेरे को लगता है नेचर में शाये होते हैं, वो टीचर से पूछते ही नहीं, उन्हें नहीं भी समझ आता, वो चुप बैठते हैं. कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तब भी दूसरे सफ़र करते हैं, कुछ शाये होते हैं तब भी उनको सफ़र करना पड़ता है. अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें समझ आ रहा है हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, नहीं समझ आ रहा हम उसको रिपीट करते हैं. और अगर मेरे को इधर कोई चीज़ ना समझ आए तो मैं उसको रिवाइंड करके भी देख सकता हूँ वीडियो. और मैंने जब ये पढ़ रहा था मैंने इसके साथ बैठ के क्लास अटेंड करी. वहाँ पे डाउट्स के लिए एक अलग से ऐप है कि आपको कोई डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हो. और 115 डेज बाद मुझे कॉल भी आया कि आपका बच्चा ठीक कर रहा है. मतलब हम उनके टच में रह रहे हैं. ये नहीं था कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उन्हें मतलब कोई हमें पता नहीं चलेगा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है. जब इसे स्टार्ट किया तो इसके फ्रेंड्स ने ट्यूशन क्लास स्टार्ट हुई, ट्यूशन्स के बारे में पेरेंट्स हमारे से डिस्कस कर रहे थे कि भी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. तो मैंने बोला मैं TruMath ज्वाइन कर रही हूँ. तो कुछ ने बोला नहीं बच्चे ऑनलाइन नहीं बैठते, पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें बार बार उन्हें कहना पड़ता है जाओ पढ़ो जाओ पढ़ो जाओ. पर मुझे ऐसा फील हुआ कि जब इसने पढ़ना स्टार्ट किया तो अगर इसको समझ में आता गया तो इसको ना ये एक नई चीज़ लगी कि मुझे किसी टीचर से नहीं पढ़ना, मुझे ऑनलाइन समझ आ रहा है. इसको इंटरेस्टिंग लगने लगा, ये उसको ज़्यादा पहले से बेटर करने लगा. तो मैं इसके फ्रेंड्स की मदर को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि आप स्टार्ट करके देखो, ट्रायल लेके देखो, तो इट्स गुड कि आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा. क्योंकि तारुष की ग्रोथ आ रही है, क्लास में भी उसको लगता है मम्मा जो क्लास में कराते हैं मुझे वो पहले से आता होता है. ऐसा नहीं है कि क्लास में अभी ये चैप्टर पीछे चल रहा है, तो ये अगर ये अपना कॉन्टिन्यू रखे तो ये उनसे आगे चला जाता है. ये भी एक हमें प्लस पॉइंट लगा कि क्लास के साथ नहीं चल रहे, हम क्लास से आगे भी जा सकते हैं.